ग्वालियर जिले के भितरबार कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। बदमाशों की खटपट सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और हंड्रेड डायल के लोग मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए, जहां पर बदमाश वारदात से पहले ही वहां से भाग निकले थे। एसबीआई प्रबंधन की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का मानना है कि बदमाशों ने शिवपुरी में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। ग्वालियर से योगेश वसारिया की रिपोर्ट। भितरवार थाने में परसों रात को कुछ लोगों ने, अज्ञात बदमाशों ने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही तोड़ने की आवाज़ आसपास वालों को सुनाई थी, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, भितरवार पुलिस को। तो भितरवार पुलिस और अन्य डायल मौके पर तत्काल पहुँचे, तो वो बदमाश जो है वारदात करने से पूर्व भाग गए, मतलब वारदात कर रहे थे तो करते करते भाग गए। किसी प्रकार से कोई सामान नहीं ले गए। एसबीआई की तरफ से जो है धारा 389-511 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। क्या क्या लगता है गैंग भी सक्रिय हो गई है? ऐसा पता चला है कि गैंग मतलब जो बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर आउट ऑफ स्टेट के, और फिर इनने जो है वहाँ पे शिवपुरी जिले के करेरा थाने में भी, वहाँ पे भी एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया, ऐसी जानकारी मिली है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है।